हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये खूबसूरत सा पैटर्न। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, दोनों साइड से ये एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता है वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकता है। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो 3 3 3 3 करके आप कितने भी फंदे ले सकते हैं, 3 के गुने में आप कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो इसे आप या तो बॉर्डर बनाने के बाद डाल सकते हैं या फिर सीधे फंदे डालकर आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। इस डिज़ाइन से आप कार्डिगन बनाइए, जैकेट बनाइए, कोटी बनाइए, बच्चों बेबी फ्रॉक बनाइए। इसको आप स्टॉल में, शॉल में, श्रग में डालिए। इससे आप मफलर बनाइए या स्कार्फ बनाइए। ये बेहद खूबसूरत है। देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर एक बार और सिलाई में लपेट लेंगे। जैसे कि हम जाली डालते हैं वैसे हम एक बार और लपेट लेंगे। अब दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमने जाली दिया और दो फंदों का एक कर लिया। अब अगला फंदा उल्टा, पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाना है, दो फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक करना है। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक और दो, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, अगला फंदा उल्टा। इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। यहाँ से फिर से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो गया। ऊन हमने सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ ले लिया, दो फंदों को एक साथ लिया और उल्टा बुनते हुए दो का एक, अगला फंदा उल्टा। ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लिया, दो फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुनते हुए दो का एक, अगला फंदा उल्टा। अब देखिए लास्ट में दो फंदे बचे हैं। 3 के मल्टीपल हमने लिए, पहले फंदे को हमने स्लिप किया था और लास्ट में दो फंदे बचे हैं। तो क्या करेंगे, ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमने पहली लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऊन हमारा दूसरी तरफ है, इसे अपनी तरफ लाएंगे और सिलाई में एक बार और लपेट लेंगे। तो ऊन वापस हमारी तरफ हो गया। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, ये फंदा और उसके आगे वाला फंदा, इन दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, अगला फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। फिर से देखिए ऊन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, ये हमने यार्न ओवर किया। अब फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे। अब देखिए ये जाली वाला फंदा और उसके बाद वाला फंदा, इन्हीं 2 फंदों को हमें एक साथ लेना है और दो का एक करना है उल्टा बुनते हुए, अगला फंदा उल्टा। फिर से देखिए यार्न ओवर, ये देखिए जाली वाला फंदा और उसके बाद वाला फंदा, इन्हीं 2 फंदों को हमें एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक करना है, अगला फंदा उल्टा।
तो इन्हीं तीन फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करें। तीन फंदे का और एक लाइन का ही ये डिज़ाइन है। दोनों तरफ से डिज़ाइन एक ही तरह से बनाया जा रहा है। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो उन सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे और इन दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट होता है। सामने की तरफ से एक बार फिर से देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, एक बार और सिलाई में लपेटेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जाली वाला फंदा और उसके बाद वाला फंदा, इन दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, अगला फंदा उल्टा, उन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए दो का एक, अगला फंदा उल्टा। इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। तीन फंदे का और एक ही लाइन का ये डिज़ाइन है और डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, बनाना कितना आसान है, और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बेहद खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।